मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कर रहे थे। सो ऑर्गेनाइजिंग का आज हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, जो कि आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि ये होता क्या है क्लास, इसके प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस क्या है अकाउंटेबिलिटी की, फिर इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और इसके एलिमेंट्स देखेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है ये? ट्रांसफर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वर्क का, ट्रांसफर करा जाता है वर्क। और अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। ट्रांसफर किया जाता है वर्क का और अथॉरिटी का टू सबऑर्डिनेट्स एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल, कि अपने से जो नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको काम और पावर दोनों पार्ट दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है उन लोगों के साथ, ताकि और उनको फिर अकाउंटेबल भी कर दिया जाता है कि अगर वो कुछ काम नहीं कर पाए जो काम उन्हें दिया है, तो वो अकाउंटेबल भी होते हैं। इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूं। मैंने एक नीचे चार्ट बनाया है ताकि आपको ये डेफिनेशन जो ये लाइन और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे देखो, एक मैनेजर था, उसके पास बहुत सारा काम था, लॉट्स ऑफ वर्क, लेकिन ही कांट परफॉर्म ऑल द वर्क अलोन, वो सारा काम अकेला नहीं कर सकता था। फिर उसने क्या करा, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद सबऑर्डिनेट, उसने अपना काम बांट दिया, ठीक है, उसने अपना काम थोड़े थोड़े लोगों में बांट दिया। डिवाइड वर्क, डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम बांट दिया। देन शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू गेट वर्क्ड वन विद सबऑर्डिनेट, उसने क्या करा मैनेजर ने, कि उसने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी काम तो दे दिया, साथ ही साथ में कुछ अथॉरिटीज होते हैं जो डिसीजन लेने के लिए चाहिए होती है सबऑर्डिनेट्स को। देन उसने क्या करा, उसने अपनी कुछ अथॉरिटी भी थी जो काम के साथ साथ सबऑर्डिनेट्स को दे दी, जो काम से रिलेटेड अथॉरिटी थी, ठीक है, पावर टू टेक डिसीजन, जिसके अंदर अब सबऑर्डिनेट्स के पास क्या है, पावर है डिसीजन लेने का, ओके। देन उसके बाद क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी टू मेक श्योर दैट वर्क इज डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर उसके बाद वो लोग अकाउंटेबल हुए सबऑर्डिनेट्स, उनको अकाउंटेबिलिटी भी दी कि भाई अब तुम लोग मुझे अकाउंटेबल भी हो, कि तुम लोग मुझे जवाबदेही भी हो कि अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हो गया प्रॉपरली देन इट्स वेरी गुड, दैट मेक श्योर दैट वर्क इज डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। Make subordinates answerable for non-accomplishment of task. अगर काम नहीं हुआ तो जो subordinates है वो answerable होंगे, वो task क्यों नहीं हुआ। तो यही चीज, ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया, यही चीज आपकी एक लाइन कह रही है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, दैट ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, वर्क और पावर को ट्रांसफर करना किसको, सबऑर्डिनेट्स को, और मेकिंग देम अकाउंटेबल, और ताकि अगर उन्होंने काम नहीं कर पाए पूरा तो वो क्यों नहीं कर पाए अकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सुनने में थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा कि कितना हार्ड टॉपिक सा लग रहा होगा, कितनी हार्ड लाइन है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। देखो हम पढ़ते हैं, डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एबिडिक्शन, ये एक प्रोसेस नहीं है एबिडिक्शन का, मतलब इसका क्या कह रहा है वो, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी पास्ट और डिलेड, अकाउंटेबिलिटी कभी पास्ट नहीं की जाती और डिले नहीं होती है। After creating accountability on subordinates, the superior also remain accountable. अगर एक superior ने, manager ने accountability आपकी responsibility और authority दे भी दी ना अपने से नीचे को subordinates को, तब subordinate तो होगा ही होगा accountable, साथ में वो superior भी accountable होगा at that time. ऐसा नहीं है कि खाली सबऑर्डिनेट ही आपका अकाउंटेबल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे, जैसे कि आपका एक मैनेजर था, उसको ये कहा गया था कि आपको 1000 यूनिट सेल करनी है एक मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अपना काम 5 सबऑर्डिनेट्स में बांट दिया, 200, 400, 600, 800 और 1000, कि भाई सबको बोल दिया ABCDE कि सब लोग 200 यूनिट्स जो है वो सेल करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम से जो ई पर्सन था ना, उसको फीवर हो गया, वो नहीं अपना सेल कर पाया यूनिट्स को। अब इस केस में जब वो सेल नहीं कर पाया तो टोटल यूनिट्स कितनी सेल हुई, 800 यूनिट सेल हुई खाली एक महीने में। लेकिन यहाँ पे ये तो अकाउंटेबल है, इसने बता दिया मेरे फीवर था इसलिए मैं नहीं बांट पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा मैनेजर है, जो सुपीरियर है, ये
फ्री हो गया है बिल्कुल, ये कोई जवाबदेही नहीं है इसके पास कि हाँ भाई मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं तो उसको बोला था ई पर्सन को, ई सबोर्डिनेट को, उसने काम नहीं किया तो मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर ये सेल नहीं कर पाया तब भी उस केस में भी अकाउंटेबल जो है वो आपका मैनेजर होगा, सुपीरियर होगा कि आपने सिर्फ 800 यूनिट्स क्यों सेल करी जब 1000 यूनिट्स सेल करनी थी। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है, इन दिस केस अकाउंटेबिलिटी लाइज विद मैनेजर के नॉट गेट रिड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो मैनेजर है वो छुटकारा नहीं पा सकता अकाउंटेबिलिटी से, सो ही मस्ट सुपरवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन और नॉट। जब वो छुटकारा नहीं पा सकता तो वो क्या करेगा, वो सुपरवाइज करेगा टाइम टू टाइम कि भाई जो काम हो रहा है वो टाइम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट डायरेक्शन में हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये टाइमली पता कर लेता कि इसको फीवर है और ये नहीं सेल कर पा रहा तो ये 200 यूनिट्स भी इन चारों में बांट सकता था कि मैं उन 200 को भी तुम चारों में मैं दे रहा हूँ कि तुम चारों को इतना इतना इक्वली सेल करना है, तो आपका काम हो जाता। बट इफ नॉट, अगर वो नहीं देता है, इफ नॉट टेक टाइमली एक्शन, क्या कहते हैं, सो ही मस्ट सुपरवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसे टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना है वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन राइट डिसीजन और नॉट, सही टाइम पे, ताकि वो सही डिसीजन ले सके टाइमली कि टाइमली काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा काम, इफ नॉट, अगर काम टाइमली नहीं हो रहा है तो वो टाइमली एक्शन ले सके, जैसे इसमें मैंने बताया कि इन 200 को इन चारों में इक्वली डिवाइड कर सकता था अगर उसे पता होता। ठीक है, ये तो थे अकाउंटेबल डेलीगेशन, क्या होता है अथॉरिटी का पावर को बांटना किसे कहते हैं। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखी कि अकाउंटेबिलिटी से छुटकारा नहीं पा सकता मैनेजर या कोई भी सुपीरियर। अब हम लोग देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की क्लास, इसके इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि अगर डेलीगेशन हम लोग करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सबसे पहला हमें बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कैसे होती है, बिकॉज ऑफ डेलीगेशन। अगर डेलीगेशन होता है क्लास, सबॉर्डिनेट्स गेट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स जॉब, यानी कि हायर लेवल। अब जो मैनेजर है वो अपना काम अगर अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है तो हाई लेवल का काम कर रहा है सबॉर्डिनेट, तो उसे एक्सपीरियंस होता है कि मैनेजर क्या काम करता है, मैनेजर की जॉब का एक्सपीरियंस होता है। डेवलप स्किल, उसके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं आपके सबॉर्डिनेट्स के अंदर बाय परफॉर्मिंग कंप्लीट टास्क, और ताकि जब वो अपना टास्क कंप्लीट करता है तो उससे उसके अंदर और स्किल्स आती है कि हाँ भाई अगर मैं मैनेजर की लेवल पे हूंगा कल को तो मैं भी ये टास्क कर सकता हूँ। क्रिएट देम फ्यूचर मैनेजर, उससे क्या होता है कल को अगर मैनेजर चला जाता है, छोड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे सबॉर्डिनेट्स जिसको भी मैनेजर का अच्छा काम आता होगा तो वो उसे हम लोग इंटरनली रिक्रूट करके मैनेजर बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो गई। नेक्स्ट बोल रहे हैं मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, इससे मोटिवेशन भी मिलती है क्लास एम्प्लॉय को। देखते हैं कैसे, जब मैनेजर शेयर करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को तो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना उनके अंदर डेवलपमेंट होती है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस और ट्रस्ट की, कि हाँ भाई देखो ये तो हमें इतना अपना मानते हैं कि अपना काम तक हमसे हमारे साथ बांट रहे हैं, हमारे पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर हम ये काम करके देंगे तो बिल्कुल सही काम करके देंगे, सो ही गेट्स मोटिवेटेड, तो वो क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। अब आगे के इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट। यस क्लास, अब हम लोग हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को कैसे फैसिलिटेट करता है क्लास हमारे डेलीगेशन, सो मैनेजर्स पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कीपिंग इन माइंड क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। वो जब अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे ट्रांसफर करता है, डेलीगेट करता है, तो वो हमेशा ये ध्यान में रखता है कि एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी क्या है, क्या भाई एम्प्लॉय को वो काम आता भी है, वो कर भी सकता है, उसकी नॉलेज है उसे या नहीं है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू डिविजन ऑफ वर्क एंड ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होता है, डिविजन ऑफ वर्क भी हो जाता है, स्पेशलाइजेशन होती है, और डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ वर्क से आपका एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट इज योर रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ मैनेजर। ऑब्वियसली बात है, जब मैनेजर अपना काम डिवाइड कर देगा, सब लोगों में डेलीगेट कर देगा, तो उसका लोड कम हो गया। जैसे भी हमने देखा था 1000 यूनिट सेल करनी थी, अब उसने 200 बांट दी तो उसका उस सेल का लोड तो कम हो गया ना। मैनेजर पास हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रूटीन वर्क टू सबॉर्डिनेट्स। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर दिया, इट रिड्यूसेस देयर वर्कलोड, जिससे उसका वर्कलोड कम हो गया। मैनेजर एबल टू कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट वर्क, ताकि मैनेजर जो है वो अपने और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकता है, तो उसका वर्कलोड कम हो गया क्लास। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है क्लास। कैसे, मैनेजर सिस्टमेटिकली शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटता है सारी चीजों को। सिस्टमेटिक डिविजन, जो डिविजन करता है वो सिस्टमेटिक तरीके से करता है। एम्प्लॉयज गेट क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क,
ताकि एम्प्लॉयज को भी काम समझ में आ जाए कि उसे काम क्या करना है. करना मैनेजर का ही काम है, लेकिन किस तरीके से करना है उसे, ये एम्प्लॉय को ये क्लैरिटी हो जाती है. नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्लैरिटी इन ड्यूटीज असाइन, एवरीवन नोज हु विल रिपोर्ट टू हूम. क्या होता है जब उसने अच्छे से क्लैरिफाई करके सारी चीजों को डेलीगेट करी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्लैरिटी हो जाती है अपनी ड्यूटीज की, कि किसको क्या ड्यूटी असाइन करी है. कोई डुप्लीकेशन नहीं होता वर्क का क्लास, और हर किसी को पता है कि किसको किसे रिपोर्ट करना है, किस सबॉर्डिनेट को किस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है. नेक्स्ट क्या है, 6 पॉइंट, इम्प्रूव सुपीरियर्स सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. इससे क्या होता है कि जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज है ना, उनके बीच के रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है. व्हेन मैनेजर शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, सबॉर्डिनेट्स बिल्ड ट्रस्ट इन मैनेजर. अब देखो, अगर हमें कोई काम देता है, हमें उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, उन्हें हमें उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, तभी वो काम देता है. फिर हमारा भी ट्रस्ट बनता चला जाता है, एम्प्लॉय का भी ट्रस्ट बनता चला जाता है धीरे धीरे, कि देखो वो हमें काम इसलिए दे रहे क्योंकि उसे हम पे ट्रस्ट है, तो हमें उसका काम सही करके देना चाहिए. तो वही बोल रहे हैं कि सबॉर्डिनेट का जो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है मैनेजर के लिए, इट इम्प्रूव्स द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, जिससे उन लोगों का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है, अच्छा रिलेशन बन जाता है. नेक्स्ट है 7 पॉइंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट क्लास. इससे मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं. तो मैनेजर ट्रांसफर रूटीन वर्क टू सबॉर्डिनेट्स, ओके, बिकम फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स. उससे क्या होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है ना, वो फ्री हो जाता है, ताकि फ्री ऑफ माइंड हो जाता है उन कामों से जो काम उन्होंने डेलीगेट कर दिए होते हैं, ताकि वो अपने इम्पॉर्टेंट काम खत्म कर सके. एंड मेक श्योर दैट वर्क इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डन बाय सबॉर्डिनेट्स. और वो ये ध्यान रखते हैं कि जो काम हमने हमारे सबॉर्डिनेट्स को दिया है, वो काम हमारे सबॉर्डिनेट्स अच्छे से, सही तरीके से, सही टाइमली खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो इफेक्टिव मैनेजमेंट. लास्ट पॉइंट है क्लास, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. ये आपका मैनेजमेंट हायरार्की का बेस है. कैसे, डेलीगेशन. देखिए, डेलीगेशन एस्टैब्लिश्ड सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ द मैनेजर. जो इन लोगों का सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है ना क्लास, अगर ये अच्छा होगा तो जो आपका कंपनी का हायरार्की है ना, वो बहुत अच्छी होगी. मैनेजर्स की हायरार्की का बेस होता है इनका रिलेशन. The extent of power delegated to subordinates decide who will report to whom and the power at each job position forms the management. अब इससे क्या होता है, जब हम लोग delegate कर देते हैं power को subordinates को, जब manager जो है, superior जो है, वो delegate कर देते हैं, बांट देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन subordinate किस superior को रिपोर्ट करेगा, and the power at each job position फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट. और जब इस तरीके से आपकी जॉब पोजीशंस बांट दी जाती हैं, कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो आपका जो है एक मैनेजमेंट अच्छे से फॉर्म हो जाता है. तो ये था आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. ये जरूरी होता है, अगर हम डेलीगेट नहीं करेंगे तो आपकी हायरार्की फॉर्म नहीं होती है. सो क्लास, ये हम लोगों ने कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के. अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज योर एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. इसे दोनों चीज कहते हैं, या तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं डेलीगेशन के, या फिर ये प्रोसेस कहलाते हैं. दोनों चीजें होते हैं. कौन कौन सी होती हैं, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इनका मतलब ही मैंने आपको बताया. रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम देना. अथॉरिटी, पावर. और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाब देना, आंसरेबल होना किसी का भी. अब इन तीनों का हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ेंगे कि ये तीनों होते क्या है. सो क्लास, अब हम लोग हमारी पहली एलिमेंट देखते हैं डेलीगेशन का. पहला एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना क्लास. वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, जो कि काम दिया जाता है, असाइन किया जाता है किसी इंडिविजुअल को. इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. वो चाहे उसे फिजिकल एक्टिविटी दी जाए, चाहे मेंटल एक्टिविटी दी जाए, उसे दोनों तरीके की एक्टिविटीज दी जाती है, ताकि वो परफॉर्म करे कौन, एम्प्लॉय अपने जॉब पोजीशन पे रह के. डेलीगेट वो कुछ भी कर सकता है मैनेजर आपका, चाहे फिजिकल एक्टिविटी आपको डेलीगेट करे एम्प्लॉय को, चाहे मेंटल एक्टिविटी करे. डेलीगेशन स्टार्ट, मैनेजर पास सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट्स. डेलीगेट वहीं से शुरू हो जाता है जहां से मैनेजर कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा जो है, मतलब वर्क का कुछ पार्ट जो है, वो सबॉर्डिनेट को आगे पास कर देता है. वहीं से आपका डेलीगेशन स्टार्ट हो जाता है. इसके फीचर्स क्या है क्लास, कैन बी डेलीगेटेड ट्रांसफर टू द अदर्स. पहला फीचर क्या है कि डेलीगेट करना, ट्रांसफर करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को.
इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म असाइंड वर्क. ये सबऑर्डिनेट्स के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से इस वर्क को परफॉर्म करते हैं. ये हमेशा अपवर्ड फ्लोज होता है. सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू सुपीरियर. कि जो सबऑर्डिनेट होता है ना वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, सुपीरियर को. यानी कि जब सुपीरियर ने काम दे दिया सबऑर्डिनेट को तो अब सबऑर्डिनेट जवाब देगा ना सुपीरियर को कि भाई उसने कितना काम कर लिया, किसने कितना नहीं करा. सो इट विल बी अ फ्लोज अपवर्ड. ओके, तो ये था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. द सेकेंड एलिमेंट इज योर अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या कह रही है क्लास, अथॉरिटी का मतलब जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काम होता है, काम देना, वहीं पे अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो. पावर टू टेक डिसीजन. मैनेजर शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ही विल शेयर अथॉरिटी. अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना क्लास एम्प्लॉय को मैनेजर, तो उसको अथॉरिटी देनी पड़ती है टू गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट, ताकि उसके जो सबऑर्डिनेट है वो इजिली काम कर सके. क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मान लो एक एम्प्लॉय है, उसको ये बोला गया था कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है विद इन अ वीक, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी मैनेजर ने आपको कि आप बना के दीजिए हमें रॉ मेटेरियल, अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट बना के दीजिए. लेकिन वहीं पे मैनेजर ने उसे अथॉरिटी नहीं दी कि आप रॉ मेटेरियल खरीद के ला सकते हैं. उसके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं थी क्लास. अब उसके पास पावर थी नहीं, मैनेजर आया नहीं ऑफिस में और उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो वो मंगवा नहीं पाया. अब वो मंगवा नहीं पाया, ना मंगवाने की वजह से उसके जो प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पाया, और बन नहीं पाया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी. तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना एम्प्लॉय को, उसको उसी हिसाब से अथॉरिटी भी देनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट को. सो कीप इन माइंड, हमेशा माइंड में रखो, अथॉरिटी शुड बी ट्रांसफर्ड. अथॉरिटी हमेशा ट्रांसफर करो, मैचिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली बी डेलीगेटेड. जितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसके मैच में आपको अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी है. जैसे भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया. अब इसके फीचर्स क्या है क्लास अथॉरिटी के? राइट टू टेक डिसीजन बिकॉज ऑफ योर मैनेजरियल पोजिशन. आपको सही डिसीजन लेने हैं क्लास अगर आपके पास अथॉरिटी भी आती है, क्योंकि उस टाइम पे आप मैनेजर पोजिशन का काम कर रहे हो. नेक्स्ट, डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. इससे क्या होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छा हो जाता है. थर्ड है फ्लोज डाउनवर्ड. ये हमेशा नीचे नीचे की साइड डाउनवर्ड फ्लोज होता है. क्यों? क्योंकि जितना ग्रेटेस्ट आपका लेवल होगा, टॉप लेवल जो होता है ना उतनी ज्यादा उसके पास अथॉरिटी होती है, और जो लोअर लेवल होता है उसके पास उतनी कम अथॉरिटी होती है. क्योंकि लोएस्ट लेवल को, जो लोअर लेवल है उसको क्या करा जाता है, अथॉरिटी दी जाती है. तो डेलीगेट तो कम ही अथॉरिटी करेंगे ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, लेकिन जो टॉप लेवल होता है उसके पास उसकी पूरी और ग्रेटेस्ट अथॉरिटी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी कि जो अथॉरिटी है ना वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल रहनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम. अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजिशन. स्केलर चेन याद करिए क्लास, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में कर आए थे. प्रिंसिपल दिया था स्केलर चेन ने, स्केलर चेन का फ्योल ने, हम लोगों ने फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के अंदर देखा था. तो वही वो बोल रहा है कि जो अथॉरिटी है वो कब अराइज होती है, स्केलर चेन से विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशन. जो कि जब स्केलर चेन बनता है तो वो अलग अलग जॉब पोजीशंस को लिंक करता है, और लिंक करता है तो अथॉरिटी आपकी अराइजेस होना स्टार्ट हो जाती है, डेलीगेट करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अथॉरिटी जो है ना वो एक लिमिटेड देनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं क्लास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपको अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहिए. सो क्लास हमने दो एलिमेंट्स पढ़े, पहला पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, दूसरा पढ़ा हमने अथॉरिटी क्या होता है. अब तीसरा एलिमेंट है आपका अकाउंटेबिलिटी. जब एक मैनेजर ने काम बांट दिया, उसको काम के अकॉर्डिंग उसको पावर दे दी कि ठीक है अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपके पास उस काम को करने का पावर है, डिसीजन उस काम को करने का जो भी डिसीजन लेना है उसकी पावर आपके पास है, तो तीसरा अकाउंटेबिलिटी आता है कि अकाउंटेबल आंसरेबल क्लास. अब आंसरेबल तो अगर काम कर दिया तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं करा तो यू हैव टू बी आंसरेबल. कैसे, देखिए तीसरा है अकाउंटेबिलिटी. सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क. अगर काम नहीं करा तो सबऑर्डिनेट जो होता है ना वो आंसरेबल होता है कि भाई क्यों नहीं करा काम,
कोई तो रीजन रहा होगा टास्क कंप्लीट ना होने का, तो उसको आंसर देना पड़ता है. नेक्स्ट है, इवन आफ्टर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी द मैनेजर्स विल बी अकाउंटेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ टास्क. अभी मैंने पीछे वीडियो को बैक करके देखी, अभी मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था आप लोगों को कि जैसे कि एक मैनेजर है और ये जो मैनेजर है ना, इसको 1000 units बनानी थी एक महीने के अंदर, बेचनी थी सॉरी सेल करनी थी एक महीने के अंदर. अब इसने क्या, अगर आपने ऐसे नीचे 5 subordinates को बोला कि आप लोग जो है 200 वो करेंगे, 200 units जो है वो सेल करेंगे, ठीक है, इसने बोल दिया ठीक है भाई, इसने इन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन साथ में अथॉरिटी भी दे दी कि ठीक है अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि ऊपर बोला डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, दोनों चीजें दे दी. अब उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड मोमेंट जो आपका ई था ना, जो लास्ट वाला एम्प्लॉय था, उसको क्या हुआ कि बीमार हो गया, उसको फीवर हो गया क्लास फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं बेच पाया 200 units. तो कितनी यूनिट्स बिकी, सिर्फ 800 units सेल हुई ना एक महीने में. देन इन दिस केस 800 units आर सेल, सिर्फ 800 हुई इंस्टेड ऑफ 1000 units बेचनी थी 1000. सो द मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ टास्क. इस केस में चलो ये तो है अकाउंटेबल हमारा सबऑर्डिनेट कि भाई इसको फीवर हो गया था इस वजह से ये नहीं सेल कर पाया, वहीं पे ही साथ में क्लास ये मैनेजर भी अकाउंटेबल है, इसको भी आंसर देना पड़ेगा अपने से ऊपर वाले लेवल को. क्यों, क्योंकि ऊपर वाले लेवल ने तो इसे कहा था ना, टॉप लेवल ने तो, कि भाई हमें 1000 units बेचनी है. अब वो टॉप लेवल सबऑर्डिनेट से थोड़ी ना रीजन मांगेगा भाई, उसने तो इसको मैनेजर को अथॉरिटी दी थी और मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट. तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हो तो मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अकाउंटेबल नहीं होता है, वो तब भी अकाउंटेबल होता है. वही यहाँ बोल रहा है इवन आफ्टर डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट, चाहे आप दे दो फिर भी मैनेजर जो है वो आंसरेबल होगा अपने टॉप लेवल को. अब इसके फीचर्स देखते हैं क्लास, इसके फीचर्स क्या कह रहे हैं ये क्लास. अभी हम लोग समझ के आए हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, अथॉरिटी का मतलब और अकाउंटेबिलिटी का मतलब. अब हम लोग समझ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं क्लास, ध्यान से समझना. इट मेक्स आंसरेबल फॉर फाइनल आउटपुट. फाइनल आउटपुट अगर नहीं आया तो उसके लिए एम्प्लॉय मैनेजर हर कोई आंसरेबल होता है. कांट बी डेलीगेटेड और पास्ट, कभी भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग डेलीगेट कर सकते हैं क्लास एम्प्लॉय को या सबऑर्डिनेट को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती है. अगर आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर भी थी डेलीगेट, उस केस में भी मैनेजर जो होता है, सुपीरियर जो होता है, वो भी अकाउंटेबल होता है अगर सबऑर्डिनेट ने काम नहीं किया तो. सो ये कभी भी डेलीगेटेड कांट बी डेलीगेटेड नहीं होती है ना पास होती है. इट फ्लोज अपवर्ड, ये हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है. मैनेजर्स विद मोर अथॉरिटी आर नॉट अकाउंटेबल, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिन मैनेजर्स विद मोर अथॉरिटी, जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है ना क्लास, वो ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी है और वो अकाउंटेबल ना हो, ऐसा नहीं होता है. जितनी ज्यादा अथॉरिटी मैनेजर के पास होता है उतना ज्यादा वो अकाउंटेबल ऊपर अपने अपर लेवल के ऊपर होता चला जाता है. एंड लास्ट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिशमेंट, यानी कि उसे ये ध्यान में रखना है, उसे रेगुलर फीडबैक देखना है, देना है अपने से ऊपर वाले लेवल को कि हाँ भाई काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट ढंग से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. सो क्लास ये थे आपके अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स. अब हम लोग हमारे इन्हीं से रिलेटेड इनके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देखते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड. आई क्लास, सो क्लास हम लोग डिफरेंसेस देख रहे थे. अभी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डेलीगेशन समझा दिया पूरा, कि डेलीगेशन क्या होता है, उसके इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं और उसके एलिमेंट्स तीन अच्छे से हमें समझ लिए. अब उन एलिमेंट्स के बीच के हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से वो टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए. तो मैंने पहले डिफरेंस उठाया है क्लास, डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, मैंने बार बार कहा है कि बेसिस को आप लोगों को नहीं छोड़ना है क्लास, क्योंकि बेसिस के बेस पर ही अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. सो क्लास पहला बेस है आपका मीनिंग. मीनिंग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है. वहीं अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब और टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम लोगों के ऊपर जवाब देना है कि हमें कंप्लीट करना है जॉब को. ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी क्या है, अगर आपने कंप्लीट नहीं करा तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं करा. नेक्स्ट है डेलीगेशन. डेलीगेट क्या क्या चीजें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स बट नॉट एंटायरली डेलीगेटेड. अब देखो मैनेजर डेलीगेट तो करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को आगे देता तो है,
ट्रांसफर तो कर दे लेकिन अपना सारा काम थोड़ी ना ट्रांसफर कर देगा। कुछ लिमिटेड वर्क होता है, कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो वो ट्रांसफर और डेलीगेट करता है। वहीं पे अकाउंटेबिलिटी नेवर बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी अभी हम मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाया इसी वीडियो के अंदर कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कभी भी डेलीगेट नहीं होती है। लाई विद द सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट। जवाब देखिए सुपीरियर का भी होता है और साथ में सबॉर्डिनेट का भी होता है। अब इनका फ्लो क्या है डायरेक्शन का क्लास, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है। इसके पीछे रीजन क्या है क्लास कि मैनेजर के पास जितनी अथॉरिटी होती है ना, जितनी ज़्यादा मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है उतनी उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, उतना उसके ऊपर वर्कलोड, उतना उसके पास डिसीजन लेने का पावर सब कुछ बढ़ता है। और जब वो सब बढ़ता है तो आप लोगों का अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। As you know, as you move up in the management, जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम मैनेजमेंट में बढ़ते चले जाते हैं उतनी अकाउंटेबिलिटी आप लोगों की इंक्रीज होती चली जाती है। जितना टॉप लेवल पे जाओगे उतनी ही टॉप लेवल की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस थे क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, सो आइए। बेसिस में पहला है मीनिंग, दोनों का मतलब अभी हमने देखा। पावर और राइट टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी के अंदर पावर होती है डिसीजन लेने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल कि एक पर्सन कितना काम कर सकता है उसको जो काम दिया गया है। ऑरिजिन कहाँ से निकल के आती है अथॉरिटी, अराइजेस बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल पोजीशन की वजह से आपकी अथॉरिटी निकल कर आ जाती है कि हाँ भाई हम लोगों को सारी चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए, सारी चीज़ें वर्बली नहीं चल सकती। तो उन सब चीज़ों के चलते हुए हमें अथॉरिटी जो है फॉर्मल पोजीशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होती है। वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा है तो मैनेजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ वर्क अपना ट्रांसफर कर देता है कि तुम कर दो, इस तरीके से हो जाता है, उनके रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इनके डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, अथॉरिटी का हमेशा डाउनवर्ड्स होता है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट्स, और वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए हैं कि अपवर्ड्स होता है कि सुपीरियर जो होता है वो असाइन करता है किसको, सबॉर्डिनेट को ड्यूटी। ठीक है, डेलीगेशन, डेलीगेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी पूरी डेलीगेट तक की जाती है जब आप उसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी है क्लास, जितना उसे काम करने के लिए पावर चाहिए उतनी सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुली डेलीगेटेड नहीं होती है, अभी हमने ऊपर देखा, बट नॉट एंटायरली डेलीगेटेड, पूरी तरीके से डेलीगेटेड नहीं होती है, लेकिन इसको भी हम डेलीगेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों का हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे क्लास कि तीनों का क्या है और इसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे। सो आइए क्लास, यस क्लास, अब हम लोग हमारा लास्ट वो देखते हैं टॉपिक इस वीडियो का क्लास, क्या कि कंपैरिजन स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी इन तीनों के बीच में। तीनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है अब तक, और जब मैं ये पॉइंट्स पढ़ूंगी आप लोगों को देखना मैं कुछ समझाऊंगी भी नहीं, अपने आप पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। और फिर हम इसके देखेंगे रिलेशन बिटवीन इन तीनों का भी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन क्या है। सो क्लास आइए पहले हम इनका कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का। बेसिस में पहला है मीनिंग, तीनों का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता है। अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, एंड अकाउंटेबिलिटी इज योर आंसरेबल फॉर द आउटपुट। नेक्स्ट है डेलीगेशन, डेलीगेट क्या क्या चीज होती है क्लास इनमें से, अथॉरिटी बिल्कुल होती है, कैन बी डेलीगेटेड अभी पढ़कर आए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बट कैनॉट बी फुली डेलीगेटेड, पूरी नहीं होती है। और अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, अकाउंटेबिलिटी तो होती ही नहीं है डेलीगेट, जवाब तो हर किसी को देना पड़ता है। ऑरिजिन निकल के कहाँ से आए हैं ये, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन, अथॉरिटी फॉर्मल पोजिशन से आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या निकल कर आई, अकाउंटेबिलिटी निकल कर आई। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, अथॉरिटी का है आपका डाउनवर्ड्स है, अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड्स होती है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड्स होती है, कैसे, सबॉर्डिनेट को सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है, क्यों, क्योंकि सुपीरियर अपना काम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसको, सबॉर्डिनेट को, तो सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल हुआ ना सुपीरियर को बताने के लिए कि काम हुआ नहीं हुआ कितना हुआ। उसी तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमेशा अपवर्ड्स होती है, कैसे, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में सबॉर्डिनेट जवाब तो देगा ना, काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो इसी तरीके से
ये थी इनकी कंपैरेटिव स्टडी। एक तरह से आप सारा पीछे पढ़कर आ चुके हैं इस वीडियो में, सिर्फ मुझे इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी यानी कि तीनों का एक साथ आप लोगों को बताना था कि एलिमेंट्स है आपके डेलीगेशन के। क्लियर। अब इन तीनों का रिलेशन भी देख लेते हैं। रिलेशन क्या है तीनों का? सबसे पहले अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम दिया जाता है, एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज। तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप आ जाती है कि हाँ भाई जब काम मिल गया, अथॉरिटी मिल गई तो जवाबदेही तो बनती बनती है। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कहाँ से आती है? अथॉरिटी से, अभी ऊपर भी पढ़ा। एंड अकाउंटेबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो क्लास, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डेलीगेशन और उसके तीनों एलिमेंट समझाए, एंड आई होप कि आप लोगों को ये तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा इसी चैप्टर का ऑर्गेनाइजिंग का जो है नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो क्लास, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अब जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।